हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास सेकंड इंग्लिश। और आज हम जो हमारा चैप्टर 9 है उसका फाइनल पार्ट पढ़ेंगे। सो पिछली बार यहाँ तक पढ़े थे। आशा स्माइल्ड हर मदर अ ब्रांड न्यू स्माइल। अभी यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। बी कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। Example, today Raj's grandfather is making a paper boat. आज राज के grandfather हैं, दादाजी हैं, paper boat बना रहे हैं। Yesterday he made a kite for Raj. कल उन्होंने राज के लिए kite बनाई थी। फिर यहाँ देखो, One, the teacher is writing a poem. Teacher poem writing कर रहे हैं। Yesterday she wrote a story. कल इन्होंने स्टोरी लिखी थी। Two, the children are eating mangoes today. Children आज mangoes खा रहे हैं। Yesterday they ate melons. कल उन्होंने melons खाए थे। Sima's father is making sandwiches for us. सीमा के फादर हैं, हमारे लिए sandwiches बना रहे हैं। Yesterday he made sweets for us. कल उन्होंने हमारे लिए क्या बनाया था? स्वीट्स बनाई थी, मिठाइयाँ बनाई थी। राज इज प्लेइंग क्रिकेट, राज है वो क्रिकेट खेल रहा है। Yesterday he played hockey. कल उसने हॉकी खेली थी। Today देव इज वॉशिंग हिज सॉक्स, आज देव अपने सॉक्स धो रहा है। Yesterday he washed his handkerchief. कल उसने अपने handkerchief धोई थी। तो देखो यहाँ पे एक ही verb होता है, verb या action verb, action word. उसका simple past और present दोनों का form दिया गया है। देखो is writing यानी ये अभी का काम चालू है, आज का काम, अभी का काम चालू है ये बताता है, और ये पूरा हो चुका है ऐसे बताता है। जैसे देखो टुडे देव इज वॉशिंग हिज सॉक्स, तो वो अभी आज धो रहा है। और यस्टरडे ही वॉश्ड हिज हैंडकरचीफ, यानी कल उसने धोया, ठीक है। तो जो इज होता है, और फिर देखो जैसे वॉशिंग होता है या वर्ब प्लस आईएनजी होता है, तो इसमें अभी अभी और आज की एक एक्टिविटी होती है, ठीक है। सी यूज वॉश और वेयर इन द ब्लैंक्स, वॉश और वेयर ब्लैंक्स में पूरो। वन शेरू इज इन राहुल्स रूम, शेरू राहुल के रूम में है। इन द मॉर्निंग ही वॉज इन द प्लेग्राउंड, सुबह को वह प्लेग्राउंड में था। वॉज मतलब था, कोई भी चीज़ है पहले था कहीं, उसके लिए वॉज यूज होता है। और वेयर यानी बहुत सारे थे, ठीक है। शेरू अकेला है इसलिए वॉज आया। टू इट इज इवनिंग, शाम है। The children are in the playground. वो playground में हैं। In the morning they were at school. सुबह को वे कहाँ पे थे? School में थे। तो अगर children यानी बहुत सारे हुए तो where आ गया। शेरू एक है तो was आ गया, ठीक है। जो past में कहीं कुछ था, इसमें अगर single है तो was आता है, दो से ज़्यादा हैं तो where आता है। Three, the doctor is at home now. डॉक्टर अभी होम है, घर पे है। इन द मॉर्निंग ही वॉज एट द हॉस्पिटल, और सुबह को वो हॉस्पिटल पे थे। फॉर यस्टरडे इवनिंग आवर टीचर्स वेयर इन द प्ले ग्राउंड, कल शाम को हमारे टीचर्स हैं वो प्ले ग्राउंड पे थे। वेयर यानी टीचर्स बहुत सारे होते हैं, है ना, टू प्लस मोर, इसलिए वेयर आता है। अगर पास्ट में वन होता है तो वॉस आता है, वन आदमी हो, वन चीज़ हो, कुछ भी, ठीक है, वन एनिमल हो, बहुत सारे कुछ ऐसे थे तो वेयर आ जाता है। ओके,
राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वेयर इन द प्ले ग्राउंड टू. राहुल और उसके फ्रेंड्स भी प्ले ग्राउंड में थे. ठीक है. डी इट इज आफ्टरनून नाउ. अभी दोपहर है. वेयर दीज पीपल. मदर फ्रेंड लायन. इट इज इन द मॉर्निंग. लुक एट द टेबल एंड आंसर दिस क्वेश्चन. देखो अभी आफ्टरनून है, दोपहर है. ठीक है. वेयर कहाँ पे थे ये लोग, कौन से लोग? मदर फ्रेंड लायन इटीसी, वो कहाँ पे थे सुबह को? तो लुक एट द टेबल एंड आंसर द दिस क्वेश्चन. टेबल पे देखो और आंसर दो क्वेश्चन के. ठीक है. इन द मॉर्निंग माई मदर वॉज इन द ऑफिस. सुबह को मेरी मम्मी ऑफिस में थी. मदर एक है इसलिए वॉज आया. राज फ्रेंड वॉज ऑन द प्ले ग्राउंड. राज का फ्रेंड है वो प्ले ग्राउंड पे था. द लायन वॉज इन द डैन. लायन अपनी डैन में, गुफा में था. द पैरट वॉज इन द नेस्ट. पैरट अपने नेस्ट में था, क्योंकि सब अकेले हैं इसलिए. शेरू वॉज इन द गार्डन. शेरू गार्डन में था. द काउस वेयर ऑन द फील्ड. काउस हैं जो बहुत सारी गाय हैं, वो कहाँ पे थी? फील्ड में थी. तो यहाँ पे वेयर आ गया. ठीक है. तो जहाँ एक आता है पास्ट में कहाँ था वगैरह था, तो एक में वॉज आएगा, दो या दो से ज़्यादा में वेयर आएगा. ठीक है. लेट्स एंड रीच अवर वर्ड स्टोर. हमारा वर्ड स्टोर बढ़ाते हैं. ए मैच द वर्ड्स दैट गो टूगेदर. वर्ड्स को मैच करो जो मैच होते हों, एक साथ होते हों. ठीक है. एग्जाम्पल अ वॉबली टूथ. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर अ वॉबली टूथ यानी हिलता हुआ दांत. अ ब्रांड न्यू तो स्माइल. हैप्पी बर्थडे साथ में रहते हैं ना हमेशा. अ ब्लू कारपेट. वाइट टीथ. तो जो गो टूगेदर हैं वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं. जैसे दूसरा हम लिख सकते हैं गुड तो मॉर्निंग. ठीक है. ऐसे हो सकता है जो वर्ड्स हमेशा साथ में बोले जाते हों, ऐसों की बात है. ज्वाइन एंड मैक फ्रेसिस. ज्वाइन करो और इनको फ्रेसिस बनाओ. द लेग्स ऑफ अ टेबल. ठीक है. एग्जाम्पल द लेग्स ऑफ अ टेबल. यहाँ पे क्या है? क्या है? द टिप ऑफ द टंग. द हैंडल ऑफ अ डोर. अ बाउल ऑफ सूप. अ ग्लास ऑफ मिल्क. द लेग्स ऑफ अ टेबल. द टिप ऑफ द टंग यानी हमारी जो जीभ है उसकी जो आगे का भाग. द हैंडल ऑफ डोर ऑफ अ डोर उसका हैंडल डोर का. ठीक है. अ बाउल ऑफ सूप सूप से भरा बाउल. अ ग्लास ऑफ मिल्क मिल्क से भरा ग्लास. द लेग्स ऑफ अ टेबल. टेबल के जो लेग्स होते हैं पैर होते हैं उसके. ठीक है. फिर यहाँ पे देखते हैं लेट्स राइट. ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का. इमेजिन यू आर आशा. आप इमेजिन करो, कल्पना करो आप आशा हो. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन व्हाट हैपेंड इन द क्लासरूम. और शॉर्ट पैराग्राफ लिखो क्लासरूम में क्या हुआ था इसके बारे में. ठीक है. आप आशा हो, ऐसे इमेजिन करो, कल्पना कर लो. माई टूथ वॉज वॉबली. मेरा दांत है वॉबली, हिल रहा था. आई फेल्ट इट विथ माई टंग. मैंने आई यानी मैंने उसको महसूस किया. किससे? मेरी जीभ से. आई वॉन्टेड इट टू कट ऑफ. मैं चाहती थी मैं उसको कट कर दूँ या चाहता था कट कर दूँ. बट आई डिडन्ट. बट मैं ऐसा उसको कट नहीं कर सका, उसको काट नहीं सका दांत को, हिलते हुए दांत को. आलोक सेड. आलोक ने कहा वी विल पुट एंड ऑफ स्ट्रिंग राउंड इट एंड देन पुल इट. आलोक ने कहा कि हम जो हैं धागे का एक एंड तुम्हारे दांत में बांधेंगे और उसको खींचेंगे. देन बालन सेड. उसके बाद बालन ने क्या कहा? We will tie the other end of the string with the door and slam the door. हम भी एक जो तुम्हारा धागा है एक एंड है तुम्हारे दांत में बांधेंगे, दूसरा है हैंडल में बांधेंगे डोर के, और फिर डोर को धक्का देंगे, स्लैम करेंगे. I know they are teasing me.
आई नो, मुझे पता है वो मुझे टीजिंग कर रहे हैं, यानी परेशान कर रहे हैं, बट आई कैन नॉट लाफ, मगर मैं हंस नहीं सकती, ठीक है, हंस नहीं सकती। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, गुड बाय।